तो दोस्तों, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको एमएस एक्सेल की मदद से फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक बनाना है। फिर मैंने इस टॉपिक पे पहले से भी दो वीडियो बना रखा है, बट उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपको मोबाइल के अंदर यूज करना है। बट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया कि भाई कंप्यूटर के अंदर किस तरह से पासबुक बनाना है, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल के हेल्प से आपको पासबुक बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्मेट अपने एक्सेल के अंदर ओपन करना है। अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट नहीं है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्मेट को दे दिया है, वहाँ से आप लोड कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट को सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर एक्सेल के अंदर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सारे चीज़ का सेक्शन बना हुआ है, जैसे अकाउंट नंबर का। तो हम लोग यहाँ पे अपना कस्टमर का अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे हम लोग को सीआईएफ नंबर का सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें हम लोग सीआईएफ नंबर डालेंगे कस्टमर का। सीआईएफ नंबर डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप डालना है कि कौन से टाइप का आपका अकाउंट है, तो वो डालेंगे। तो फिर हमारे कस्टमर का जो अकाउंट है वो सुप सेविंग है, तो हमने सुप सेविंग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना कस्टमर का नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको इसमें केयर ऑफ डालना है कि कस्टमर किसके केयर में है। उसके बाद नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एड्रेस का सेक्शन दिख रहा है, इसमें अपना कस्टमर का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको इधर आधार नंबर का सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे अकाउंट ओपनिंग डेट का सेक्शन दिख रहा है, इसमें अपने अकाउंट जो भी डेट को ओपन किया है वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद इशू डेट डालना है, तो इसमें भी अकाउंट ओपनिंग का ही डेट डालना है, क्योंकि जिस डेट को अकाउंट ओपनिंग होता है उसी डेट को इशू होता है, तो वो डेट डालेंगे। अकाउंट ओपनिंग का डेट और इशू डेट डालने के बाद नीचे आपको बीसी नेम का सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें अपने बीसी नेम डालेंगे, जो भी नाम से आपका मर्चेंट आईडी होगा। बीसी नेम डालने के बाद आपको नीचे बीसी लोकेशन डालना है। इतना करने के बाद ऊपर आपको आईएफएससी का सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें अपना आईएफएससी ब्रांच का डालना है। आईएफएससी डालने के बाद यहां से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद ये जो आपको फोटो का सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको प्रिंट करने के बाद फोटो चिपका देना है, तो आपका पासबुक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब।